कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रमोट करके अच्छा खासा कमीशन कर सकते हैं, या ऐसी कौन से प्रोडक्ट हैं जिन पर हमें कंपटीशन भी कम हो और हम अच्छी खासी सेल जनरेट कर लें, या ऐसी कौन सी प्रोडक्ट हम प्रमोट करें जिनका कमीशन हमें ज़्यादा मिले, भले उसका कंपटीशन हो ना हो वो मैटर नहीं करता। तो आज आपको कुछ की पॉइंट्स पे क्लियर करूँगा और आपको लाइव भी दिखाऊँगा और आपको बताऊँगा कौन सी निश को कहाँ पर आप प्रमोट करके कितना खासा जो है आप कमीशन जनरेट कर सकते हैं, कौन सी निश को कैसे प्रमोट करना है। सबसे पहले आप इस माइंडसेट को दिमाग में जो है बिठा लें, ये कर लें कि जब आप गूगल के थ्रू, SEO के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को जहन में बिठा लें, कोशिश करेंगे कि आपने लेस कंपटीशन, लेस मतलब कि परसेंटेज वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करना है जिस पर लेस कंपटीशन हो। आप इस लालच में नहीं रहेंगे कि यार इसका कमीशन कम मिल रहा है, इसका कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, इसकी सेल्स इतने नहीं। देखें, आपका मेन मकसद होगा उसको गूगल पर रैंक करना है। गूगल पर जो ऑलरेडी हाई, जो अच्छी खासी कमीशन के प्रोडक्ट हैं वो ऑलरेडी पीक पर हैं, मतलब कि उनका कंपटीशन भी पीक पर है। जैसा कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैमरा, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ग्राफिक कार्ड आ जाता है, गेमिंग पीसी आ जाता है, एक्सबॉक्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनके अच्छे खासे आपको कमीशन मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो गूगल पर मुश्किल से रैंक होते हैं, आपको अच्छी खासी उसके लिए नॉलेज चाहिए, अच्छा खासा आपको पे करना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, फिर जाकर आपको अच्छे लेवल की जो है सेल्स मिलती हैं। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको देने वाला हूँ, कैसे आप इन प्रोडक्ट को प्रमोट करके कैसे लेस कंपटीशन बना सकते हैं या इनको इजीली सेल जनरेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ फिर आपका ये थॉट होती है कि नहीं यार, मैं इस निश पर ही नहीं जाता, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे जो है लेस कंपटीशन वाली वेबसाइट क्रिएट करनी है, लेस कंपटीशन वाली निश को चूज़ करके वहाँ से प्रोडक्ट को प्रमोशन करनी है। दैट्स फाइन, वो आप कर सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन जो मेरी तरफ से वो ये है, लेट्स सपोज अब मुझे, मेरा शौक है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप प्रमोट करने, क्योंकि इनकी प्राइसिंग अच्छी खासी होती है, $700-800, $1000, $1500-2000 तक का एक लैपटॉप सेल होता है जिसका कमीशन $30-40, $20, अच्छा खासा कमीशन है। दिन में 2-3 लैपटॉप भी आपके प्रमोट हो जाएँ, आपका $100 ईजिली बन जाता है। तो वो कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, एंड उसकी स्ट्रेटजी जो है आप कैसे जो कर सकते हैं, सो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है जी Amazon एफिलिएट की कमीशन लिस्ट, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये ले, अब इसके सामने कमीशन लिखा हुआ है 20%, 10%, ये वो। अब एक जो टेक प्रोडक्ट्स है जिनको हम प्रमोट करते हैं, उनकी प्राइसिंग अगर आप देखें तो अच्छी खासी उनकी प्राइसिंग होती है, तो वो अच्छा खासा जो है, जैसे लैपटॉप हो गए, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, गेमिंग कार्ड हो गए, और कैमरा हो गए, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका अच्छा खासा कमीशन जनरेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन लैपटॉप्स के वर्जन्स को या इन लैपटॉप को, जैसे बेस्ट लैपटॉप, इस टाइप के कीवर्ड्स को आप टाइप करेंगे गूगल पर, आपको लग पता जाना है कि गूगल पर कैसे कैसे साइट्स जो है रैंक कर रहे हैं, जो कि अच्छा खासा जो है आपको कंपटीशन में डाल देती हैं। तो इनका आसान हल और दूसरा हल ये है, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को क्लियरली समझेंगे ना, ये जो मैंने लेटेस्ट अपलोड किए हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे, तो बिलीव मी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई वेबसाइट भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कंपटीशन चेक करने की नहीं पड़ेगी, आपकी जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हैं, जो दिल करे, जिस किस्म की भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बिलीव मी। सिर्फ क्या करना है, इन वीडियो को देखकर एक्जैक्टली फॉलो करना, इनमें कोई कंपटीशन नहीं देखना, जो दिल करे जो प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहे, जितने भी कमीशन की है, भले आप होम अप्लायंसेस में कर दें, एयर कंडीशनर कर दें, वॉशिंग मशीन कर दें, होम इम्प्रूवमेंट में कर दें, आप जो है सोफ़ा कम बेड, इट्स मतलब कि जितने भी फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड कर दें, बेड ऐड कर दें, जितने भी कर दें, सब कुछ आप कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। जब सोशल मीडिया पर बात आती है, जिस पर इजीली प्रमोट हो जाता है, सोशल मीडिया को अगर आप यूज़ करते हुए कर सकते हैं, इनमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्ट्रेटजीज मैंने एज फॉर नाउ इंस्टाग्राम की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की है, पिंटरेस्ट की मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर किया है, और मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है आपको टिकटॉक की, ठीक है। अभी मेरे साथ पास और स्ट्रेटजी भी आने वाली हैं जो कि शेयर करूंगा, जिस पर यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, मीडियम भी है, ब्लॉग स्पॉट भी है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर मैं आपकी स्ट्रेटजी कवर कर दूंगा, तो अभी फिलहाल नहीं। लेकिन जब बात आ जाती है कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू करेंगे, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि लेस कंपटीशन वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, नो मैटर जिसका जितना भी कमीशन आपको मिले, यू शुड बेयर इट, यू शुड एक्सेप्ट दैट। एंड आप देखेंगे कि जब आप लेस प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, जिसमें आ जाता है, बहुत सारी निशेज आ जाती हैं जिनमें आपको जो है बिग बड़ी निशेज की तरफ मूव नहीं होना, जैसा कि स्किन केयर में आ जाता है,
स्किन प्रोडक्ट वगैरह क्या जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस पर आपने नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में आ जाना है, जैसे कि आपके पास हो गया लगेज हो गया, उसके बाद हैंड बैग्स हो गए, उसके बाद एक्सेसरीज वाली हो गई, तो इन इन कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है ये फर्नीचर होम इम्प्रूवमेंट जो बड़ी बड़ी हैं, इन पर आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करेंगे, भले इनका कंपटीशन कम है लेकिन इनके प्रोडक्ट की चार्जेज इतनी ज़्यादा हैं कि आप कर सकते हैं। तो ये अब अमेजोन की कैटेगरी की लिस्ट आपको कैसे मिल सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट, तो सिंपली आप जब amazon.com पर जाएंगे, amazon.com पर जाने के बाद आप इस ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास सारी अमेजोन की कैटेगरीज आ जाती हैं, लिस्ट आ जाती हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर जब इन पर क्लिक करेंगे तो इनकी आगे और सब निशेज़ आपको मिल जाती हैं, वीडियो गेम ये वो एसेसरीज वगैरह को, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसका अच्छा खासा कमीशन है। वीडियो गेम का ऑलमोस्ट अमेजोन 20% दे रहा है, अमेजोन गेम का, वीडियो गेम नहीं अमेजोन गेम्स का, वो 20% दे रहा है, और ब्यूटी और इसमें कंपटीशन है 10% दे रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, किस मेथड के साथ चलना चाहते हैं। बाकी हर प्रोडक्ट ईजी है, कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू मेरी नज़र में सब कुछ आसान है, सब कुछ, क्योंकि मुफ्त की ट्रैफिक आपको मिल जाती है, आपको कोई लैंडिंग पेज की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई वेबसाइट रैंकिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, आपको कोई कीवर्ड रिसर्च, कोई रिसर्च कंपटीशन, कुछ भी एनालिसिस नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना पड़ता है कुछ रूल्स को, ताकि आपका अकाउंट स्टेबल रहे सोशल मीडिया का, वो सस्पेंड होने से बच जाए और आप इजीली उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकें, और वो आपका एज एसेट बन जाए, कल को आप इजीली उसे सेल भी कर सकें या उसे फ्लिप कर सकें, आपका वो सोशल मीडिया का अकाउंट सेल हो सकता है या आप उस पर कोई वर्सेस वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। जब बात आ जाती है ब्लॉगिंग की, फिर आपको तकरीबन काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि चेक करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अगर आप द डिजिटल नॉलेज चैनल पर जाएंगे। द डिजिटल नॉलेज चैनल के बाद अगर आप इस पर विजिट करें तो आपको मेरे ख्याल में प्लेलिस्ट मिल जानी चाहिए, जिस पर आपको मैंने बताया है कि कैसे जो है हम लोग अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग को ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं, वो भी थोड़ा है कंपटीशन में है, तो कैसे उस कंपटीशन एनालिसिस करते हैं, कीवर्ड रिसर्च वगैरह कैसे करते हैं, तो आपको वो प्लेलिस्ट भी मेरी मिल जाएगी अगर आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। तो ये रही ये नहीं, ये देखें ये पड़ी है 2022 की है जो कि क्रिएट की हुई है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। मज़ीद आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रोडक्ट को कैसे भेजें, लेकिन सोशल मीडिया से करें ज़्यादा रिकमेंडेशन है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब।